उत्तर प्रदेश के सहारनपुर थाना कोतवाली देहात पर मानसिक रूप से असक्षम युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत पर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर द्वारा दी गई वाइट। जी हाँ, कल 11 तारीख को एक पीड़िता जो पूरी तरह से मानसिक सक्षम नहीं है, उनके परिजन आते हैं, रहने वाले इलाके जुनारदार के हैं, ये आते हैं। उनके द्वारा बताया जाता है कि कल से 3 से 4 दिन पहले उनकी बेटी किसी कार्य से किसी ट्रीटमेंट के दौरान अस्पताल गई थी और वहाँ से वापस लौट रही थी, तो उनको एक टेम्पो ड्राइवर मिलता है रास्ते में और वो टेम्पो ड्राइवर उसको नागल बिकनपुर गाँव में लेके जाता है। वहाँ पर उस टेम्पो ड्राइवर द्वारा और 2 लोग और 2 अन्य के द्वारा उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म का की घटना कारित की जाती है। इस सूचना पाते ही इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करी, उसको मेडिकल के लिए उसका पहले सुसंगत धाराओं में इसे मुकदमा पंजीकृत हुआ, फिर उसको देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।